कदीम ज़माने में सिल्क रूट एक ऐसा रास्ता था जो कि चाइना और सेंट्रल एशिया को पूरी दुनिया से मिलाता था और तजारत का एक बहुत ही अहम जरिया फरहम करता था। और ना सिर्फ तजारत बल्कि आइडियाज़, आर्ट्स और कल्चर एक्सचेंज भी इस रास्ते के थ्रू पॉसिबल होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये कदीम रास्ता सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया। आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और पूरी दुनिया का निज़ाम एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग पर चलता है, और यही वजह है कि ट्रेडिंग रूट्स और डीप सी पोर्ट्स को पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की बैकबोन समझा जाता है। गवादर पोर्ट की और फेज़ वन की कम्प्लीशन के बाद फेज़ टू गवादर फ्री जोन को लॉन्च करने के लिए, ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा कदम है। आपको सिर्फ अंदाज़ा देने के लिए, जो फेज़ वन था फ्री जोन का वो सिर्फ 60 एकड़ के ऊपर और फेज़ टू 2200 एकड़ के ऊपर। विद द गाइडेंस ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड फेडरल गवर्नमेंट and the provincial government, especially the support from the local community, business community and the local people, Gwadar Port is moving very fast. We are receiving cargoes including LPG, LNG, container construction materials very frequently. मेरी रहायश यहाँ है, लोकल हूँ, अभी 12 साल हो गए हैं ग्वादर में रहायश अभी जी। सर यहाँ पे काम करते हैं, अच्छा काम है। ये सर कापर और पीतल का काम है, और ये जिसका और स्टील का काम है। ठीक है सर, जो मटेरियल है कि यहाँ पे डालते हैं, यहाँ से सर जो ब्रिक होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं सामने पड़ा हुआ है, आप ऐसे ब्रिक हो गए, ब्रिक को फिर इसको हम करते हैं साफ़ करके फिर जो है ना इसमें डालते हैं सर। यहाँ से कचरा जाता है यहाँ पे सर, ये मशीन का काम आता है। ये काम हमारे को अच्छा मिल गया, हमारे घर में ही मिल गया है, क्योंकि वो बहुत लोग दूर से आते हैं, पता नहीं किधर से किराया भर के आते हैं। अल्लाह का शुक्र है ये कंपनी इधर बन गई, माशाल्लाह हमारा बहुत फ़ायदा हो गया है और हम लोग अच्छी तनख्वाह मिल रही है और बोनस वगैरह भी मिल रहा है। मेरा नाम जैतून अब्दुल्ला है, मैं एज आ असिस्टेंट मैनेजर हूँ यहाँ पे। ये हमारी वर्कशॉप है यहाँ पे। हमने स्टार्ट इसलिए किया है कि इन फ्यूचर हमारे पास ये पोर्ट में या कहीं भी कोई भी डिपार्टमेंट्स है तो वहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स लें, और हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पे, जो विज़न है कि यहाँ की फ़ीमेल कम्युनिटी को एम्पावर करवाना और उनको रोज़गार की तरफ लाना। तो हमारे पास अभी जो हमने जितनी हायरिंग की है, हमारे पास वर्कर्स हैं वो सारे फ़ीमेल ही हैं और गवादर की लोकल ही हैं। The purpose to set up this intelligent greenhouse is, you know, whether the environment is a big issue, and you couldn't find any greens outside of the port and the free zone. And we do believe that this technology will help honorable prime ministers 10 billion tree plantation program. पहली दफा हमने इतना ज्यादा फंड प्रोवाइड किया है इन सारे इलाकों को जो पीछे रह गए। बलूचिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा पैकेज प्रोवाइड किया है फेडरल गवर्नमेंट ने, 730 अरब रुपए का। ये 730 अरब रुपए का डेवलपमेंट पैकेज ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी बलूचिस्तान को इतना नहीं मिला। तो ये जो 730 अरब है उसके ऊपर है बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का अपना पैकेज, ये हमारा है सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का। तो इससे हम एक तो कनेक्टिविटी इम्प्रूव करें, उसके बाद फिर ह्यूमन डेवलपमेंट एहसास प्रोग्राम पे पूरी कोशिश है कि हम कॉलेजेस बनाएं, या ग्वादर में यूनिवर्सिटी का प्लान अप्रूव हो चुका है, ग्वादर में यूनिवर्सिटी बन रही है। कामयाब पाकिस्तान के प्रोग्राम्स हैं हमारे कि सारे कोस्टल बेल्ट पे जो मछली पकड़ने वाले हैं, जो सबसे मेहनत कश तबका है, उनको हम कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं उनकी, और इसके लिए इनका पूरा प्रोग्राम बन चुका है। ग्वादर के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ख़ास तौर पे पानी और बिजली शामिल है। सो पानी में एक 5 मिलियन गैलन पर डे का डीसेलिनेशन प्लांट, वो उस साउथ बलूचिस्तान पैकेज में भी ग्वादर शहर के लिए रखा हुआ है। इसी तरह बिजली का
प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया जिस पे अभी काम शुरू हो गया हुआ है, जिसमें हमने मेन ग्रिड के साथ कनेक्ट करना है साउथ ऑफ बलूचिस्तान को, स्पेशली ग्वादर को। उसके अलावा 300 मेगावाट का एक पावर प्लांट उसके ऊपर भी काम अभी पिक कर रहा है। सो बिजली, पानी और शहर के लिए जो सहूलियात हैं, ये खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर के फोकस में। पूरी दुनिया इस वक्त एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट से गुजर रही है और ग्वादर पोर्ट इस शिफ्ट का एक बहुत ही आम हिस्सा है। चाइना के लिए सीपैक और ग्वादर इंडियन ओशन को एक्सेस करने का एक जरिया है, जिसकी वजह से चाइनीज गुड्स की शिपमेंट का टाइम बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। ग्वादर पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। एक फुली फंक्शनल डीप सी पोर्ट मुल्क भर में इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने का बहुत बड़ा जरिया है। डीप सी पोर्ट किसी भी मुल्क की लोकल डेवलपमेंट की रफ्तार को तेज करता है और मुल्क की इकोनॉमी में बहुत हैविली कंट्रीब्यूट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करके। पोर्ट्स के जरिए एक्सपोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है, जिसकी वजह से लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता है और इसका असर एम्प्लॉयमेंट पर भी काफ़ी पड़ता है। ना सिर्फ पोर्ट पर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बल्कि मुल्क भर में इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से तमाम इंडस्ट्रीज़ में भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा रोज़गार के मौके मिलते हैं। और इस तरह ग्वादर पोर्ट पूरे पाकिस्तान के इकोनॉमिक लैंडस्केप को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकता है। ज़रूरत सिर्फ एक मजबूत इरादे और अनथक मेहनत की है।